नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में चुनाव प्रचार किया है और इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए भी ओपी राजभर दिखाई दिए हैं। योगी मोदी के ललका सार से परेशान है, परेशान है, परेशान है। एक सार से निजात दिलाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? किसानों को सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही है उससे निजात दिलाने के लिए आपको मऊ की चारों सीट एक नंबर जीतना है। हम पहले भाई यहाँ प्रतिष्ठा ओम प्रकाश राजभर बाबा, दारा चौहान जी, हमरे राजिंदा जी, अब्बास अंसारी का मामला न बा, मामला ओम प्रकाश राजभर का हो। ओम प्रकाश राजभर के सम्मान में साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा से संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ। एक एक चापा साइकिल छड़ी का बटनिया दबलर है, ठीक ना? दूसर काम देखा, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की सपा का, अब वह तारीख बताइए, हम करना बता पाई, लेकिन 10 तारीख के डेट तय हो जाई, जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का होगा, बीमार हो, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में एक समान, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बिना ओम प्रकाश ने उठाया है। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब फ्री, दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री, जरूरत पड़ेगी बच्चों को तो साइकिल भी फ्री देने का कानून हम लोग पास कर रहे हैं। योगी बाबा, योगी बाबा का तो ये बेचारा पगला ही ये भाषण मामला जाते हुआ मुजफ्फरनगर में, अरे नौजवानों तेरी गर्मी निकाल रहा है। अरे योगी बाबा, हम कह रहे हैं, अरे नौजवानों लपट करके माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ, हम तुम्हारे लिए भर्ती निकाल देंगे। वहीं यूपी में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में भाजपा सांसद रवि किशन ने भी जनता को लुभाने के लिए जनसभा की और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की सारी खूबियों को गिना दिया और विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब की बार भाजपा 350 से अधिक सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। यूपी में बाबा बात तो यूपी में सब बात। केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य किया है वो आजादी के 70 साल बाद भी नहीं देखा गया, चाहे फ्री राशन हो, फ्री इलाज हो, फ्री आवास हो या फ्री इज्जत घर, ये सारी सुविधाएं भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पात्र गरीबों को मुहैया कराई हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी लगातार जनसभाएं कर रही हैं और जनता को लुभाने के लिए सभी तरह के हथकंडे भी अपनाने में लगी हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने एक जनसभा के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी के नमक वाले बयान पर प्रियंका को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर भाजपा को घेर लिया। और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं, मैंने क्या देखा बताऊं ना, बताऊं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने,
ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा, ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए, वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को, और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी, उस मां ने जो कहा उनके पति देव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। आपने इतनी बड़ी हिम्मत दे दी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगी। तो पत्रकार ने उससे पूछा कि क्यों, उन्होंने कहा कि मुझे तो मोदी जी राशन देते हैं, मैंने तो मोदी जी की नमक खाई है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। बहुत दो तीन बार बोला उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब नेता की ये मानसिकता हो जाती है कि जनता उसकी नमक खा रहा है, तो क्या होता है देश प्रदेश को? नेता जनता का नमक खाता है? उधार में देते हैं आप सत्ता नेताओं को? आप चाहें तो हम सबको उतार दीजिए इस मंच से, ये आपकी सत्ता है। अरे मैंने बनाया था लेकिन उन्होंने चलाया था रात में। ये लोकतंत्र है बहनों और भाइयों, कोई तानाशाही नहीं है, ये कोई शहंशाह नहीं बैठे गद्दी पे। रात में आपने इनको भगवान बना दिया है, ये बोलते हैं तो आपको लगता है भगवान की वाणी है। अरे जाग जाइए, जाग जाइए, आपको गुमराह किया जा रहा है। हर 5 साल आकर धर्म की बात, जाति की बात कर करके सत्ता में रह रहे हैं। और मैं फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।